Jai Hind and a very warm welcome viewers to this weekly series which is dedicated to the study of law. The laws, the acts which actually played a very vital role, pivotal role in transforming the India, in making India today's India. And as you all know, we are actually going through this fine crafted book. And this book is of a new publication and it is potent. It is potent in its own to enhance one's understanding about the important laws which played a very vital role pre and post independence. We are going to take one more act today, which is titled, as you can see, the Government of India Act 1919. As we are going forward in our this weekend series, we are actually coming in a proximity to Indian independence and to Indian constitution implementation. यह कानून के बाद एक ही और कानून बचेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहला जाएगा. उसके बाद सीधी हमारी जो आज़ादी है वो हमको देखने को मिलेगी. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में जो महत्वपूर्ण कायदे जो कानून थे उनमें से अब कुछ ही बचे हैं, जिनमें से दो वो थोड़े देखने ज़रूरी हैं और उसको भी हम लोग देखते जाएंगे. इसके बाद जो मैंने आपको जिक्र किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था, वो अभी एक इसके बाद में जो हमारे लिए बचने वाला है. उसके बाद हम लोग फ्रॉम इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो हमारे संसद के द्वारा जो कायदे घड़े हैं, जो कानून घड़े हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे. हाल हम लोग जो कानून की बात कर रहे हैं, वे कानून दरअसल ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में जो है वे वहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे, वहाँ वे पारित हुए थे और लागू जो है वे भारत में हुए थे. तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है. मगर जब से 1947 के पश्चात जो कानून बनेंगे वे कानून भारतीय संसद में बनने वाले हैं और भारत के लिए ही रहेंगे, मात्र और मात्र भारत में ही लागू होने वाले हैं. हालांकि ये जो थोड़े पूर्व कानून थे वे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक अवकाश तैयार करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए गए थे जो कि भारत के ऊपर लागू थे. उनमें से ही आज एक ये कानून है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जानते हैं. इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफील्ड सुधारों के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफील्ड रिफॉर्म्स, जिसमें से हमारे जो मॉन्टेग्यू थे, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, वे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि इंग्लैंड में बैठते थे, और वहीं जो चेम्सफील्ड थे वे भारत के वायसरॉय थे, भारत में रहकर अपना कार्य करते थे ब्रिटिश संसद के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए. देखेंगे यही फॉर्मेट में देखेंगे, सबसे प्रथम इसकी पार्श्वभूमि देखेंगे यानी कि उसका बैकग्राउंड देखेंगे. यही बैकग्राउंड में हम लोग यह कानून के कारणों की भी चर्चा करेंगे कि क्यों यह कानून जो है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था. बाद में उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसका भी जिक्र करेंगे और साथ ही में इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे और इसकी जो क्रिटिसिज्म है, उसकी जो टीका है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे. शुरू करते हैं. देखिए, बैकग्राउंड की अगर बात करें तो यह जो इतिहास है वो हमें वर्ल्ड वार फर्स्ट तक ले जाएगा. वर्ल्ड वार फर्स्ट, ब्रोकआउट, प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो गया जिसमें इंग्लैंड ने भी पार्टिसिपेट किया. भारत जो है तब उस समय ब्रिटिश अधीन प्रदेश था, अंग्रेज अधीन प्रदेश था, तो भारतीयों के द्वारा भी ब्रिटिशरों को मदद दी गई पूरे युद्ध में. दरअसल यह जो युद्ध था वो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट को लागू करने के लिए था. जहां जहां आज दिन तक डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुए थे और जो है मोनार्की थी, कहीं कहीं डिक्टेटरशिप था, ठीक है, तो एक प्रकार का यह जो फ्यूड था, यह जो झगड़ा था, उसको खत्म करने के लिए यह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ी गई थी. और इसका उद्देश्य था कि डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में लागू हो, ठीक है. तो अब यहां से जो कॉलोनी थी यूरोपियंस की, जो संस्थान थे, इसे हिंदी में संस्थान कहते हैं, ये कमजोर होना शुरू हो गए. दे बिगिन टू वीकन. अब डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये पूरी लड़ाई थी, इंग्लैंड भी इसमें भागीदार था और भारत इंग्लैंड का एक प्रदेश होने के नाते इसमें भागीदार था. ब्रिटिश को हमने सहाय की, हमने उस आशा के साथ लड़ाई की कि आफ्टर द वार
कि हमने ब्रिटिशरों को मदद की है, तो आफ्टर द वार ब्रिटिश जो है वे हमें लोकल गवर्नमेंट दे सकती है, वे हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे सकती है। इंडिया असिस्टेड ब्रिटिश, हमने एक्सपेक्ट किया लोकल गवर्नमेंट, लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट। मगर एट द एंड ऑफ द वार जब युद्ध खत्म हुआ तो हमारी जो आशा थी उससे बिल्कुल विपरीत हुआ। आशा थी लोकल गवर्नमेंट देने की, मगर ब्रिटिश शासन ने हमें कई सारे कठोर कानून दिए, कई सारे रिग्रेसिव लॉज दिए। ठीक है, तो यहाँ से जो भारतीय चेतना थी उसे बहुत ही धक्का लगा, और साथ ही में तब की मुस्लिम लीग जो कि आमतौर पर कांग्रेस के साथ लड़ी रहती थी, मगर इस बार उन्होंने अपने जो कांग्रेस के साथ डिस्प्यूट्स थे मुस्लिम लीग के, वे रिजोल्व कर दिए, वे साइड में कर दिए और एक जॉइंट स्कीम के साथ वे सामने आए और जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उसके ऊपर दबाव डाला कि भाई आपको तो हमें स्वराज जो है, या आप कह लीजिए स्वराज तो नहीं कर सकते, मगर एक लोकल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको हमें प्रदान करना ही होगा। तो एक प्रकार का एक जॉइंटली संयुक्त रूप से एक दबाव डाला गया पूरे ब्रिटिश शासन के ऊपर। इसी दबाव के कारण 20th August 1970, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू जो कि तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इंग्लैंड में रहकर भारत के संदर्भ में जो कोई अफेयर्स थे वे देखते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कमर्शियल हो। ठीक है, तो उनको देखने का जो पूरी जो जिम्मेदारी थी वो यह महानुभाव के ऊपर थी। तो इन्होंने एक डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस वन डिक्लेरेशन विच वॉज कॉल्ड मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जिसके तहत एक ऐसा प्रावधान था, ऐसी एक प्रोविजन थी कि जिससे भारतीयों को कुछ हद तक संतुष्टि मिल सकती है। और इसमें जो प्रोविजन थी वो थी कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी विंग ऑफ गवर्नमेंट, एवरी विंग, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, कोई भी शाखा हो सरकार की, मगर उसमें देसी प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाया जाएगा। ऐसा एक डिक्लेरेशन यह महानुभाव ने ब्रिटिश संसद के पटल पर रखा, और यही डिक्लेरेशन दरअसल आगे जाकर 1919 का जो यह आज का एक्ट है, जिसके ऊपर आज का अभ्यास है, हमारा अभ्यास टिका हुआ है, उसकी आधारशिला बन गया यही डिक्लेरेशन। इट बिकेम द फाउंडिंग स्टोन। फिर बाद में जुलाई 8, 1918 को, 8 जुलाई एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई बिटवीन द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैमुअल मॉन्टेग्यू एंड देन वाइसरॉय चेम्सफोर्ड, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों ने साथ में मिलकर एक अहवाल तैयार किया जो कि बहुत ही डिटेल्ड था, और उसमें ये जो रिफॉर्म्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो कैसे भारत में लागू हो उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई थी। एंड इट वॉज हैपन्ड इन द ईयर 1918। तब जाके आगे चलकर 29th of December 1919 में
यह पूरे कानून को या यह पूरे अहवाल को एक कानूनी रूप में, और वो रूप मिला 29th of December 1919 को, और इसी दिन इसको रॉयल एसेंट भी जो है मिल गई, यानी कि अब वो लागू होने के लिए कानून जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, अब किसी भी क्षण भारतीय प्रदेश के ऊपर लागू यह हो सकता है। ठीक है, यह वैसे तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की ओर था, मगर फिर भी उसमें कई सारे लूपहोल्स थे, कई सारी ऐसी चीज़ें थी, कई सारे ऐसे प्रावधान थे जो भारत के लिए अपने आप में हानिकारक हो। इसमें से एक मैं प्रावधान आपको एक एग्जांपल के रूप में दे सकता हूँ, भले ही कितना भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के टूवर्ड्स जो है यह कानून हो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के फेवर में कानून हो, मगर इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया। इट एक्चुअली डिपेंड द कम्युनल ट्रांसेंस ऑफ इंडिया, कैसे डिपेंड किया वो हम लोग आगे देखेंगे इसके क्रिटिसिज्म में, मगर यहाँ हमें एक बात यहाँ सुनिश्चित करनी है कि भले ही यह गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की वकालत की हो, उसकी एडवोकेसी की हो, मगर सामने उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या कम्युनल टेंशंस जो है उसको भी ज़्यादा इंटेंसीफाई किया था, उसको भी ज़्यादा डिपेंड किया था। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल द बैकग्राउंड कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमने ब्रिटिशरों को मदद की, इन रिटर्न हम जो मांग रहे थे वो तो नहीं दिया, मगर हमें जो है इन रिटर्न दे गेव अस सम रिग्रेसिव लॉज, दे गेव अस सम ड्रेकोनियन लॉज। ठीक है, तो इसी की वजह से एक राजकीय एकता कायम हुई भारत में, जो आज दिन तक विभाजित थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो सिंबल में, वो अब अपने डिस्प्यूट्स बाजू में रखकर एक हो गए, दे बिकेम वन एंड दे जॉइंटली क्रिएटेड प्रेशर ऑन द ब्रिटिश ऑथॉरिटी टू लुक इन केस ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसी की वजह से यह एक्ट जो है वो वहाँ दाखिल किया गया, फिर बाद में उसे रॉयल एसेंट मिली और अंत में उसे लागू भी करवा दिया गया। सो दिस वॉज ऑल फॉर बैकग्राउंड। अब अगर इसके कुछ मुख्य प्रावधान देखें, सबसे प्रथम हम इनके कुछ उद्देश्य देखेंगे, फिर बाद में उसके मुख्य प्रावधान भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग देख सकते हैं कि टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपिंग द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। यस, स्वशासन, देखिए यह पूर्ण रूप नहीं है स्वाधीनता का, ये मात्र प्राथमिक रूप है स्वाधीनता का, क्योंकि आज दिन तक हमको हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन ही नहीं मिलता था, मगर अब धीरे धीरे वो पार्टिसिपेशन शुरू हो गया, देसी भागीदारी, यहाँ के जो स्थानिक लोग थे वे भी जो है यह न्याय बनाने की प्रक्रिया में या न्याय लागू करवाने की प्रक्रिया में या अन्य ऐसी सरकारी प्रक्रियाओं में अब जुड़ने लगे। तो दिस माइट बी ए वन सिंगल स्टेप टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उसके बाद टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट एंड वेलफेयर ऑफ इंडियन। यस, इसका एक ये भी उद्देश्य था कि भारतीयों को, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, उनको बढ़ावा मिले, साथ में उनका कल्याण भी हो। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1919। उसके बाद टू प्रोवाइड फॉर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज अ वाइटल पार्ट ऑफ द एम्पायर। यस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत को प्रदान करने का एक अच्छा उद्देश्य था इस एक्ट का, फिर भी यह कानून जो है वो अपने उद्देश्य तक पूर्ण रूप से पहुँच नहीं पाया। देखते हैं उसके कुछ मुख्य प्रावधान है जिसकी वजह से कुछ शासन प्रक्रिया में कुछ फेरफार हुए। देखिए यहाँ से अब दो गवर्नमेंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, एक रहेगा सेंट्रल लेवल के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा रहेगा प्रोविंशियल, जो कि अलग अलग प्रोविंस तक सीमित हो। आज हम जिसको स्टेट कहते हैं उसे ब्रिटिश युग में उसे प्रोविंस कहा जाता था, और इसकी कुछ
सीमा है जो है उसमें कुछ फेरफार है, मगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग इसे स्टेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एज यू कैन सी राइट नाउ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बाकी की राज्य सरकारें होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। तो ठीक वैसे ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहती थी तब ब्रिटिश इंडिया में, और साथ ही में अलग अलग प्रोविजंस की अलग अलग प्रोविजनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहती थी। देखते हैं द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल बी गवर्नर। देखिए यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात है, यानी कि प्रादेशिक सरकार में सबसे एग्जीक्यूटिव के पद के ऊपर गवर्नर रहता था, जो आज भी गवर्नर ही है। अगर आज का संविधान देखें और एग्जीक्यूटिव पद देखें किसी भी राज्य का, तो उसमें सर्वप्रथम हमारे राज्यपाल ही रहेंगे, गवर्नर ही रहेंगे। उसके बाद डायरेक्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्टी। देखिए यह एक प्रकार की ऐसी गवर्नमेंट है विच इज टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इसे दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं गवर्नमेंट रन बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इज कॉल्ड डायरेक्टी। ठीक है, तो इसको लागू करवा दिया गया राज्य में या राज्य की सरकारों में। Which means there were two type of counselors, executive and ministers. उसके बाद all the subjects were divided into two categories and that were reserved list first of all and the other one were transferred list. आज जो हम seventh schedule में देखते हैं, जिसे हम लोग distribution of power के नाम पे पहचानते हैं, जिसमें तीन सूचियां हमारे सामने आती है, एक रहती है केंद्र सूची, दूसरी रहती है राज्य सूची और तीसरी रहती है संयुक्त सूची, यानी कि कंकरेंट लिस्ट। तो वैसे यहाँ भी दो सूचियों में जो विषय थे उन विषयों को यहाँ विभाजित कर दिया गया, जिसमें से एक आरक्षित सूची रही और दूसरी जो रही वो रही ट्रांसफर्ड लिस्ट। अब अगर रिजर्व लिस्ट की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जो विषय थे वे यहाँ रखे गए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर। दूसरे बिंदु की बात करें तो इट वॉज फाइनेंस। ठीक है, तो इतने जो थोड़े महत्वपूर्ण थे वे रिजर्व लिस्ट में रखे गए, और बाकी के जो ट्रांसफर्ड लिस्ट में थे वे थोड़े कम महत्वपूर्ण थे, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आएगा और अन्य रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। याद ही रखना है कि थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें रिजर्व लिस्ट में रखी गई, कुछ कम महत्वपूर्ण चीज़ें ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखी गई। ये पोर्टफोलियो सिस्टम ही है जो आज के दिन हमें हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखने को मिलता है, इन केस ऑफ सेंट्रल लेवल एंड इन केस ऑफ स्टेट लेवल टू। ठीक है, तो यही मॉडस ऑपरेंडी तब चल रही थी, और हमें मालूम ही है कि यह पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो भी इंग्लैंड से ही आई है हमारे भारत में। ठीक है, तो उसी के तहत वे लोग ये फॉलो कर रहे थे, और इसमें इन लोगों ने दो ऐसे विभाजन कर दिए। प्रत्येक मंत्री को ऐसे मंत्रालय या आप कह लीजिए ऐसे विषय जो है वे सौंप दिए गए उनके ऊपर कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये बात रही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। अब उसका अगर लेजिस्लेचर देखें तो देखते हैं द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाज इंक्रीज्ड, अबाउट 70% ऑफ मेंबर वर इलेक्टेड। लेजिस्लेटिव असेंबली की साइज इंक्रीज हुई, साथ ही 70% इसका जो सभ्य थे वे निर्वाचित होते थे। तो ये अपना आप में अच्छी बात है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होती है वो थोड़ी हानिकारक होती है, मगर जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, वो अच्छा होता है। फ्यू वुमेन वेर ऑल्सो गिवन द राइट टू वोट विच मीन्स दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल in the government to make it more responsible. उसके बाद देखें तो there were communal and class electorates, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया कि ये कानून सब तरह से अच्छा था, मगर इसमें जो ये एक प्रावधान थे या इसकी जो एक बात है वो थोड़ी divisional बात है, क्योंकि इसना further communal जो यहाँ परिस्थिति थी उसको थोड़ा और इंटेंस किया और तीव्र बनाया। For the first time, the budget of the provinces was separated from the central budget. ये एक लैंडमार्क है, ये हमें याद रखना है, ये हमारे परीक्षा के लिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्रिलिमिनरी में भी ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम बार
प्रोविंस के जो बजट थे उनको सेंट्रल के बजट से अलग कब करवाया गया या कब किया गया या किस कानून के द्वारा किया गया, तो ये दोनों प्रश्न यहाँ जो है दोनों प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिलते हैं। तो लेजिस्लेचर वॉज गिवन अथॉरिटी टू एनेक्ट देयर बजट, लेजिस्लेचर वॉज गिवन द अथॉरिटी टू एनेक्ट द बजट। तो ये बात रही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है जिसमें सर्वप्रथम एग्जीक्यूटिव में द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वॉज वाइसरॉय। आज अगर हम मतलब संविधान खोले और देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है तो हमें यहाँ प्रेसिडेंट दिखाई देगा जो ब्रिटिश इंडिया में वाइसरॉय था। द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज रिड्यूस्ड बाय सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट। तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिल सकता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक ही हाथों में जो सत्ता जमा थी उसको अब खोल दिया गया है और जो सत्ता जो थी वो अलग अलग प्रोविजंस में बांट दी गई है। वाइसरॉय, इवन इफ द बिल वॉज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इट रिक्वायर्ड द एक्सेंट ऑफ वाइसरॉय। यस, सेम मैकेनिज्म है। आज भी अगर हमें किसी भी बिल को कानून में तब्दील करना है या उसे लागू करना है देन along with passing the bill from both the houses, it needs to get assent from the President of India. तो ऐसे ही यहाँ भी भले ही यह bicameral system थी दोनों ही सदनों में यह बिल जो है वो पारित हो गया हो, मगर फिर भी उसे कानून बनने के लिए, उसे लागू होने के लिए वाइसरॉय की उसे सहमति चाहिए, वाइसरॉय के हस्ताक्षर चाहिए। He had right to disallow any question or debate on any subject in the house. Yes, he has a right to disallow, yani ki he was powerful. तो ये भी एक इसका क्रिटिक है जिसको हम लोग आगे देखेंगे जब इसके क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि भले ही प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाने के लिए भारतीयों की भूमिका वहाँ अहम रही, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है थोड़ा हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ा, मगर फिर भी वाइसरॉय इतना ताकतवर था कि कोई भी सदनों के जो निर्णय थे वो उनको ओवरटर्न कर सकता था। मात्र वाइसरॉय ही नहीं, प्रोविंस लेवल पर गवर्नर भी ऐसा सत्ताधारी था, गवर्नर भी किसी भी प्रोविंस के लेजिस्लेचर के निर्णय को किसी भी समय ओवरटर्न कर सकता था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। तो ये एक अपने आप में इस कानून की क्रिटिक है, मगर यहाँ हमें मात्र यही देखना है कि वाइसरॉय वॉज पावरफुल, हिज असेंट वॉज रिक्वायर्ड ऑन ए बिल टू ट्रांसफॉर्म इट टू एक्ट, ये हमें देखना है। और आफ्टर दैट ही वॉज ऑल्सो गिवन राइट टू डिसअलाउ एनी ऑफ द डिबेट कैरिंग इन द आइदर हाउसेस। उसके बाद देखें तो यहाँ लेजिस्लेचर है और लेजिस्लेचर में हम लोग एक स्मार्ट आर्ट की मदद से देखेंगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देखिए ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर है जिसका माइंड मैप हमारे सामने है। लेजिस्लेचर जिसके दो सदन है, प्रथम लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दो प्रकार के सदस्य थे, सभ्य थे, जो एक निर्वाचित थे और दूसरे जो थे वे नियुक्त होकर आए थे। नियुक्त की संख्या यहाँ 41 है जिसमें से ऑफिशियल 26 है, नॉन ऑफिशियल 15 है, यानी कि ब्रिटिशरों के साथ जुड़े हुए कुल 26 अफसर थे और बाकी के 15 जो थे वे नॉन ऑफिशियल थे। और वहीं इलेक्टेड में 101 वर इलेक्टेड। फिर यहाँ आप देख सकते हो जनरल, फ्रॉम जनरल 52, मुस्लिम 30, यूरोपियंस 9, लैंडलॉर्ड्स 7, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी ओनली 4 एंड 6 वर एलोकेटेड ओनली 2 सीट्स। तो यहाँ आप देख लीजिए कितने प्रकार के यहाँ कैटेगराइजेशन है, कितने प्रकार के इलेक्टोरेट्स यहाँ है, जो निसंदेह भारत की एकता को दुर्बल बनाता है। और इन्होंने यही किया, यह कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंटेंस करके इन लोगों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल थी भारत की उसको दुर्बल बनाने का प्रयास किया। और वहीं सामने अगर देखें काउंसिल ऑफ स्टेट में देन 27 आर नॉमिनेटेड वेल 33 आर इलेक्टेड। नॉमिनेटेड में 17 आर ऑफिशियल एंड 10 आर नॉन ऑफिशियल। और वहीं इलेक्टेड में जनरल 16, मुस्लिम 11,
यूरोपियंस 3 and 6 आर एलोकेटेड ओनली 1 seat. ठीक है, तो ये पूरी परिस्थिति थी और ये इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का था विच वॉज विजुअलाइज बाई दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, अब अगर दूसरी महत्वपूर्ण प्रावधान देखें तो एक तो यहां वोटिंग राइट का था, वोटिंग राइट में मैं आपको एक बात बता दूं कि वोटिंग राइट जो था वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे चलता था. कुछ शर्तें थी मगर अगर उन शर्तों को आप पूर्ण कर रहे हो देन यू आर गेटिंग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. और वो शर्त में प्रथम सबसे कठोर शर्त थी एनी पर्सन नीड टू हैव रुपीज 3000 पर ईयर लैंड रेवेन्यू और प्रॉपर्टी यानी कि लैंड ऑफ सच अमाउंट. ठीक है, तो यहां से ही हमें मालूम पड़ता है कि यह दरअसल जो मताधिकार था वो मात्र और मात्र लैंड लॉर्ड्स के लिए ही था, एक इलिट क्लास के लिए ही था, ये सामान्य वर्ग के लिए नहीं था. यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष, सामान्य सा निष्कर्ष हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. प्लस अन्य प्रोविजंस की बात करें तो एक प्रोविजन थी कि वोटर मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. एक और प्रोविजन थी वोटर शुड बी एसोसिएटेड विथ यूनिवर्सिटी. फिर एक और प्रोविजन थी जिसके तहत वाटर शुड बी हेल्डिंग या शुड हैव हेल्ड ऑफिस ऑफ लोकल बॉडीज एंड अलोंग विद दैट द लास्ट कंडीशन वॉज वॉटर शुड बी हैविंग सर्टन स्पेसिफिक टाइटल्स फॉर गेटिंग वोटिंग राइट्स. सो दिस वर द प्रोविजन. इफ द वन इज फुलफिलिंग वन और टू प्रोविजन फ्रॉम दिस देन ही इज एबल टू वोट. तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सर्वप्रथम इलेट क्लास की बात हुई कि लैंडलॉर्ड लोगों को ही जो यह देना है. फिर बाद में यहां सर्टन स्पेसिफिक टाइटल्स यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि टाइटल तो आमतौर पर उनके पास ही रहते थे. ठीक है, तो उन लोगों को भी यहां शामिल किया गया. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का अनुभव जिसको हो तो एक प्रकार का यह इंटेलेक्चुअल वर्ग है तो इसको यहां इंक्लूड किया गया. धाराशास्त्रियों की बात है. फिर एसोसिएटेड विथ यूनिवर्सिटी तो यह भी एक अलग प्रकार का इंटेलेक्चुअल वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, तो यहां बौद्धिक वर्ग को भी समाहित कर लिया. और साथ में शुड हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ लोकल बॉडीज यानी कि ब्रिटिश कर्मचारी हो, ब्रिटिश शासन के साथ जुड़ा हुआ हो कामकाज की दृष्टि से. ठीक है, तो कुल मिलाकर पूरे भारतवर्ष में मात्र और मात्र इतनी छोटी कम्युनिटीज को, इतने छोटे समूहों को ही जो मताधिकार थे वे दिए गए थे. ठीक है, मगर इट वॉज टाइटल्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कि अगर एक बार आप इन दी हुई कंडीशनों में से फुलफिल कर रहे हो देन यू कैन वोट. ठीक है, तो ये परिस्थिति थी और ये यह पूरी एक्ट के या पूरे कानून के मुख्य प्रावधान थे जिसको हमने देखने का प्रयास किया. अब आगे हम लोग अगर बात करें तो हम लोग क्रिटिसिज्म और साथ ही में इसका जो इम्पोर्टेंस है या इम्पैक्ट है वो देखने का प्रयास कर सकते हैं. क्रिटिसिज्म और इम्पैक्ट या आप कह लीजिए इम्पोर्टेंस. तो इसका सर्वप्रथम क्रिटिसिज्म की बात करें मात्र हम लोग पहले चरण में क्रिटिसिज्म को देखेंगे, फिर बाद में इम्पोर्टेंस के बारे में देखने का प्रयास करेंगे. तो सर्वप्रथम क्रिटिसिज्म में यही रहेगा कि जब ब्रिटिश शासन यह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का यह कानून लेकर आए तब तक जो भारतीय जनमानस था, यह भारतीय जनसमूह था,
वो आगे निकल गया था और अब भारतीयों को मात्र सेल्फ गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से संतुष्टि नहीं मिलने वाली थी. देवर डिमांडिंग स्वराज, देवर डिमांडिंग कंप्लीट लोकल गवर्नमेंट. डिमांड ऑफ स्वराज. और ये तो इन अंग्रेजों की एक नीति ही रही है कि पीछे ही चलना है. भारतीय जो मांगते हैं वो उनको थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद देना है. ऐसा ही नहीं दे देना है कि भाई कल भारतीयों ने डिमांड की तो आज उनके लिए वो डिमांड जो है वो उसका उसका सेटिस्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं करना है. सो ब्रिटिश पॉलिसी वॉज रनिंग लेट और इसी की वजह से यहाँ जब वे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो है यह कानून लेकर आए तब तक हम लोग स्वराज पे पहुंच गए थे. दूसरा, इट डिपेंड कम्युनल इनइक्वालिटी. जैसे हमने देखा कि कितने सारे मतदार मंडल या इलेक्टोरेट्स जो है वे एमरजेंस में आ गए थे. देयर वर नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स एंड एक्चुअली दे प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन विच वॉज ए वेरी बैड थिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया. उन लोगों के लिए अच्छा था क्योंकि उन लोगों को तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है उसको दुर्बल बनाना था, तो उन लोगों के लिए डिवाइड करना एक सकारात्मक था. मगर हमारे लिए ये जो डिवीज़न था वो एक नकारात्मक अवश्य था. उसके बाद तीसरा क्रिटिसिज्म देखें तो जैसे हमने जिक्र किया कि वाइसरॉय एंड गवर्नर्स मोर पावरफुल. और यही पावरफुलनेस की वजह से वे लोग इतने ताकतवर थे कि लेजिस्लेचर के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय ये उनको ओवरटर्न कर सकते थे. यानी कि देवर एक्चुअली ऑन द एपेक्स ऑफ लेजिस्लेचर हाउसेस, कि जो धारा बनाने का कार्य करने वाले जो सदन थे उन सदनों के ऊपर ये महानुभाव बैठते थे या इन कानूनों ने इनको बिठाया था. और आखिरी में जो सीट्स एलोकेटेड हुई सेंट्रल लेजिस्लेचर में, या आप कह लीजिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो प्रोविजनल एलोकेशन था, सेंट्रल लेजिस्लेचर एलोकेशन टू प्रोविंस, मैं यहाँ लिखने से बचूंगा, मगर जो प्रोविंस को मिला हुआ जो शेयर था इन टर्म्स ऑफ सीट्स वो दरअसल पॉपुलेशन के तौर पर नहीं डिसाइड हुआ था. इट वॉज डिसाइडेड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस टू द ब्रिटिश. अगर वो अंग्रेजों को जो है वो प्रोविंस ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ इन लोगों ने बढ़ा दिया था. मगर पॉपुलेशन के आधार पर इनको जगह नहीं मिली थी, तो ये भी एक इसकी क्रिटिसिज्म हम लोग कह सकते हैं. तो देर वर टोटल फोर क्रिटिसिजम्स इन विच फर्स्ट वन वॉज दैट देवर रनिंग लेट वेन दे ऑफर्ड responsible government, we were demanding Swaraj. They depend the communal inequality by creating separate electorates on the basis of religion. Third one, they provided viceroys and governors more power than that of legislatures. And lastly, central legislature which allocated seats to province was on the basis of the importance of the province for them, not on the basis of population. ठीक है, तो ये जो तीन चार है ये मुख्य रूप से इस कानून की हम लोग क्रिटिसिज्म कह सकते हैं या इसकी टीका हम लोग कह सकते हैं. अब ऐसे ही अगर हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में सर्वप्रथम रहेगा इट इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. ये बात तो हमने देखी. प्लस डायरर की ये भी एक अच्छा कदम था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के टूवर्ड्स. हालांकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब हमें चाहिए नहीं थी, मगर अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर ही ले तो ये एक अच्छा कदम था. और तीसरा और आखिरी इसका इंपॉर्टेंस था वुमेन पार्टिसिपेशन.
तो ये तीन मुख्य बिंदु है जिसको हम लोग इसके इंपॉर्टेंस में रख सकते हैं इस कानून के, इस कानून विशेष के। सो आज के पूरे लेक्चर में हमने यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को थरली देखने का प्रयास किया, इसके बैकग्राउंड भी देखे, इसके कारण भी देखे कि क्यों यह एक्ट जो है वो पारित किया गया, प्लस इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी, इसके जो मुख्य प्रावधान थे उसको भी देखा, कैसे प्रोविंस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंस गवर्नमेंट में डायरेक्टली सिस्टम आई, प्लस इंडिजीनियस इंडिविजुअल्स का जो पार्टिसिपेशन था वो भी बढ़ा। साथ ही में हमने इसका क्रिटिसिज्म भी देखा और क्रिटिसिज्म के साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस भी देखा। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले वीक में, अगले सप्ताह में, अगले कानून के साथ, और वो कानून रहेगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही में हमारी यह यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।